मेरा चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मेरे डॉटर का रूटीन वीडियो। जो भी वो रूटीन में करती है, स्कूल जाना, स्कूल से आके वो क्या क्या करती है, वो सब मैं आप सभी से शेयर करूँगी। बहुत दिनों से एक मैं नाम भूल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ये वीडियो जो है शेयर करूं आप सभी से। होप कि आप लोगों को कुछ टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी अपने बच्चों के लिए, भले ही आपका बेटा हो या बेटी। फ्रेंड्स, अपने बच्चों का रूटीन बनाना यानी कि एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर रूटीन में रहकर वो अपने कामों को करें, ये बहुत ज़रूरी है। उससे उनमें डिसिप्लिन की जो भावना है वो तो आती ही है, साथ में वो सीखते हैं कि हमें किस काम को कितनी देर करना है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे टीवी देख रहे हैं तो बहुत देर देखते ही रहते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। जब तक उनका एपिसोड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो देखते हैं, या खेलने गए हैं तो खेल के वापस ही नहीं आ रहे हैं टाइमली। तो पढ़ना, खेलना, टीवी देखना, सब चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए। हाँ, एक दिन आप कोशिश करें कि फ्री रखें अपने बच्चों को, कि उस टाइम उनको जो मर्जी है वो करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपना रूटीन में बंधे रहें, एक टाइम टेबल में बंधे रहें। इसमें आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे यानी कि हम पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, मैं आप सभी से आज शेयर करती हूँ कि कैसे मेरी बेटी टाइम टेबल जो मैंने बना रखा है उसका, और उसका रूटीन जो है उसको फॉलो करती है, और उसे बहुत अच्छा लगता है इस रूटीन को फॉलो करना, क्योंकि इसमें रहकर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, वो हर काम को टाइमली कर पाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये मैंने उसके हर वर्किंग डे का टाइम टेबल बना के रखा है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे मैंने इसके वार्डरोब में ऊपर के साइड लगा के रखा है। वैसे तो इतना टाइम हो चुका है, उसको सब कुछ याद हो गया है कि कब उसे क्या करना है। तो बस सुबह 6 बजे वो उठती है, और ये है 6 बजे की मॉर्निंग जिसमें वो उठती है और उठकर अपने सारे काम करती है। स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा सा उसको पहले उठा देती हूँ ताकि वो आराम आराम से काम करे, और उसे 7:30 जो है अप्रॉक्सीमेट स्टॉप पे जाना रहता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और उसके लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में मैं आज रखूँगी उसको पोटैटो की सब्ज़ी और पराठा। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसको जो हेल्दी नाश्ता है या हेल्दी खाना है वही रखती हूँ। श्रिया के 2 ब्रेक होते हैं स्कूल में, एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और एक जो है वो काफ़ी मतलब बड़ा रहता है, 15 मिनट्स अराउंड का रहता है। तो उस हिसाब से मैं उसका लंच रखती हूँ, एक फ्रूट रख देती हूँ साथ में ताकि उसे सब चीज़ें मिले, एक हेल्दी नाश्ता मिले। और हेल्दी नाश्ता बहुत ज़रूरी है, बच्चे कितनी भी ज़िद करें कई बार मैगी की या दूसरी चीज़ों की, तो उनको हमें कन्विंस करना आना चाहिए। उनसे बोले हम कि आप बेटा घर आ जाओ और घर पे आके गरम गरम खाओ, क्योंकि मैगी, नूडल्स या पास्ता, इस टाइप की चीज़ें अगर हम टिफ़िन में रखते हैं ना तो वो ठंडा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हेल्दी भी नहीं रहता। तो बस सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, और श्रिया तब तक करती है थोड़ा सा नाश्ता। सुबह मैं उसको देती हूँ कॉर्नफ्लेक्स और दूध, थोड़े से उसमें नट्स भी डाल देती हूँ। तो ये करने के बाद वो नहाने जाती है, और उसके बाद सारी यूनिफॉर्म वगैरह पहनना। हाँ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात कि आप अपने बच्चों को हाइजीनिक वे में ही भेजें, नहलाकर, अच्छे से तैयार करके, और थोड़ा बहुत खिलाकर ज़रूर, क्योंकि बच्चे अगर कुछ खाकर नहीं जाते हैं तो स्कूल में उनका जी मितलाता है, चिड़चिड़ापन लगता है उनको, उनकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। तो जो भी उन्हें पसंद हो नाश्ते में आप उसे खिलाकर भेजें। और नहलाकर इसलिए मैंने बोला ताकि बच्चों को फ्रेश लगे। मैंने देखा है कई बच्चे जो हैं वो नहाकर नहीं आते हैं, उनको थोड़ा आलस छाया रहता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, तो दोबारा आके वो घर पे फिर से नहा सकते हैं, ये ऑप्शन है। बढ़िया गर्म पानी कर दें, और गर्म पानी से बच्चों को सुबह सुबह नहलाएं और फिर स्कूल ज़रूर भेजें। इस तरीके से करने से बच्चों में एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, उनको पता रहता है कि हमें घर से बाहर जब भी जाना है या अर्ली मॉर्निंग नहाने में कैसा फील होता है, ये उनमें शुरू से आती है ये फीलिंग। तो ऐसा आप ज़रूर करें, और देखिए आपके बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह और एक अलग तरह की जो स्फूर्ति है वो आप देख सकेंगे।
लिया का ऑलमोस्ट हो गया है, उसने ड्रेस पहन ली है, अब मैं लेकर जाऊंगी टिफ़िन और उसके बैग में रख दूंगी और फिर मेरे को करनी है उसकी चोटी। चोटी फ्रेंड्स वो कर नहीं पाती है, वैसे तो कर लेती है लेकिन स्कूल के हिसाब से बहुत परफेक्टली नहीं कर पाती, तो मैं उसको करके देती हूँ। धीरे धीरे वो सीख जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वैसा करती है घर में प्रैक्टिस, तो बस नेक्स्ट ईयर से वो करने लगेगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ उसका लंच रखने और उसके बाद फिर उसकी करूँगी चोटी। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आगे बताया है कि कुछ हैबिट्स जो हमारे बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए, ये मैंने श्रिया में भी बचपन से डाली है, तो वो हैबिट्स कौन सी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि पूरा शेड्यूल अगर आप श्रिया का देखेंगे तो आपको जो है थोड़ी बहुत टिप्स मिलेंगी, और कुछ आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने फ्रेंड्स में भी बताइए, तो उससे ये होगा कि बच्चे देखेंगे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो वो आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या उसको करती हूँ टाइम टू टाइम। सो फर्स्ट हैबिट जो मैंने उसकी डाली है वो ये है कि वो प्रेयर करके ज़रूर जाए, जब भी वो घर से बाहर जाए तो प्रेयर करे। अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करके पूरा दिन भगवान पर छोड़कर अपने कामों को अच्छे तरीके से करना, ये मैंने उसको बचपन से सिखाया है, तो वो विदाउट फेल अपना तैयार होती है और उसके बाद भगवान के सामने जाके 2 मिनट की प्रेयर करती है और फिर मैं उसको स्टॉप तक छोड़ने जाती हूँ। फ्रेंड्स वैसे तो स्टॉप उसका बहुत पास में है, छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी जा सकती है, बड़ी है, लेकिन अब हम काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे, यानी कि उसके जो स्कूल आर हैं वो हैं 7:30 to 2:30, जिसमें मैंने बस टाइम भी इंक्लूड किया हुआ है, तो 2:30 के बाद ही हम उससे मिलेंगे, तो इसलिए मैं उसको छोड़ने जाती हूँ ताकि थोड़ा सा उसे भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन क्लासेस जाती है अराउंड 1.5 घंटे की, मैंने इसलिए उसकी ट्यूशन लगाई ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, रेगुलरिटी बन रहे, नहीं तो घर में बच्चे बैठकर टीवी देखते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। तो वैसे तो वो मुझसे ही पढ़ती है लेकिन ट्यूशन में जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा मिला, तो इसलिए मैंने उसकी ट्यूशन कंटिन्यू करी। और अभी वो जा रही है खेलने, 5:30 बज गए हैं तो थोड़ा सा कुछ खा लिया है उसने, और खाने के बाद उसके बाद मैं उसको खेलने ज़रूर भेजती हूँ बाहर। आप सभी से एक चीज जरूर बोलूंगी कि अपने बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और क्रिएटिविटी में आप ज्यादा से ज्यादा डालें, क्योंकि पढ़ाई या फिर खेलना तो वो करते ही हैं, पढ़ाई इनफैक्ट करना पड़ती है क्योंकि उनके लिए प्रेशर होता है, और खेलना वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिव जो भी काम है वो उनको बहुत ज़रूरी है करना, इससे उनका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो शार्प होता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप उनको ज़रूर डालें क्योंकि इंडोर में बच्चे अगर खेलते हैं तो उनकी हेल्थ सही नहीं रहती है, कोशिश करें कि उनको बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें खेलने के लिए ताकि वो मजबूत बने, उनमें इम्यूनिटी बढ़े, तो ये सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए आपके टाइम टेबल में, सबको आप इंक्लूड करिए टाइम टेबल में, ताकि उनको हर काम, ऐसा ना हो कि हम खेलते नहीं हैं या हम टीवी नहीं देखते या हम कहीं जाते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करें लेकिन टाइमली करें। श्रिया 6:30 बजे खेलकर आ जाती है और उसके बाद मैं 7 बजे तक उसको कुछ खाने को देती हूँ, उसको फ्री देती हूँ टाइम, चाहे तो वो टीवी देख ले या फिर वो खाते खाते जो भी उसको करना है वो कर ले, वो फ्री है उस टाइम के लिए। उसके बाद वो बैठती है 7 बजे से अपनी पढ़ाई करना, जिसमें उसका लर्निंग और राइटिंग का वर्क रहता है स्कूल का, तो जो भी वो राइटिंग का वर्क है वो कोशिश करती है कि बाद में करे, क्योंकि जब भी टीवी देखती है तो उसको देखते देखते वो लिख लेती है, तो अभी तो वो करती है लर्निंग का काम हमेशा, ज़्यादातर टाइम 7 बजे से 9 बजे के बीच में वो लर्निंग का या फिर जो भी प्रोजेक्ट का वर्क है वो उस टाइप से करती है, और फिर बाद में वो लिखने का काम करती रहती है, टीवी देखते देखते लिख लेती है कई बार, या अगर उसको टीवी नहीं देखना होता तो फिर वो अपने रूम में बैठ के लिखने का काम कर लेती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि वो कार्टून चैनल देख रही है, वही उसको पसंद आता है, वही वो देखती रहती है। तो थोड़ा टाइम मैं उसको देती हूँ फ्री के, तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद मैं उससे थोड़ा बहुत पूछती हूँ, जो भी उसने लर्न कर लिया तो वो मैं उससे पूछ लेती हूँ ताकि उसको कॉन्फिडेंस हो जाए कि उसने सब अच्छे से लर्न कर लिया है, तो ऐसा करने से हम भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। फैमिली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि
डिनर, टीवी देखना, चिट चैट करना हम लोगों से, ये सब चीज़ उसकी हो गई है। अब वो नेक्स्ट डे के लिए बुक्स अपनी पैक कर रही है बैग में, ताकि दूसरे दिन उसको कोई हड़बड़ी ना हो, और सारा टाइम टेबल देख के वो पैक कर लेगी। ये शुरू से मैंने उसकी हैबिट डाली है कि रात में ही अपनी सारी प्रिपरेशन कर लो। और उसके बाद वाली जो हैबिट है वो बहुत ज़रूरी है, आप स्टोरी बुक्स अपने बच्चों को ज़रूर ला कर दीजिए। अकबर बीरबल की स्टोरीज़, पंचतंत्र, जो भी बच्चों को पसंद है। श्रिया कभी कभी हॉरर स्टोरी भी पढ़ती है, तो इस टाइप की बुक्स मैं उसको ला कर देती हूँ। उसमें अच्छी हैबिट्स आती हैं बच्चों को, वोकैबुलरी भी बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर नाउ। होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो अपने बच्चों के लिए। और आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।